गुड इवनिंग बच्चों, मैं संतोष श्रीवास्तव सुपर 60 एजुकेशन हब से आज आपके सामने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन कॉमन एरर्स सीरीज 5, यानी ये सीरीज 5 है। 4 ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं और ये 50 क्वेश्चंस की मेरी सीरीज होगी जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल और आगे जो एमटीएस के पेपर सुने हैं इनमें आपके काम आए। हर एक बच्चा जो है, अगर ये 50-50 क्वेश्चन इसके आगे जैसे क्लोज टेस्ट की मैं सीरीज देने वाला हूं, 5 क्लोज टेस्ट में लगातार आपको कराऊंगा, शायद वो कल से ही वो शुरू हो जाए, तो आप तैयार रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्लोज टेस्ट की डिमांड कर रहे थे, सर क्लोज टेस्ट कराइए क्योंकि आगे सीजल और सेचुरल के एग्जाम्स हैं तो उनमें आपके काम आए। आज ये 5वीं सीरीज देख रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सॉल्व करिए, देखिए कौन सा पॉइंट है जो आपको एरर पॉइंट के रूप में आपको दिख रहा होगा। इफ आई वर जुबेन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग, इफ आई वर जुबेन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग, क्या एरर है आपके? देखिए ए, इफ आई वर जुबेन यहां एरर है, आई वुड नॉट अटेंड यहां एरर है, द वेडिंग यहां एरर। ये आपके कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है, अगर आप देख रहे होंगे जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसी से ये वाक्य आपको दिया गया है। आप में से ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा तो आप इसे कर सकते हैं, ए बी या सी या फिर नो एरर डी पोर्शन, कौन सा पॉइंट है आप? चलिए, इफ आई वर जुबेन दिस इज अनरियल पास्ट, this shows unreal past. If it is unreal past, you will have to use past indefinite plural. So, if I were Zubin, past indefinite plural, okay? I would not attend the wedding. The second clause, that is principal clause, here you will use would, could or might plus VK first form, VK first form. तो इफ आई वर जुबीन सही है, आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग ये भी सही है, यानी यहां नो एरर। गलती कहां पे हो सकती थी? दो जगह हो सकती थी। पहला, एग्जाम में आपको इफ आई वाच जुबेन में दे सकता था, तो इफ आई वाच जुबेन नहीं होगा, इफ आई वर जुबेन होगा। दूसरा, आई वुड नॉट अटेंड की जगह पे आई शैल नॉट या आई विल नॉट भी दे सकता था तो भी एरर होता। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पे कोई एरर नहीं, ये वाक्य आपका सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म ऑफ लाइफ हैव लेड अस फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टेक्ट विद नेचर एंड द क्रॉप्स ऑफ द फॉर्म। सोचते रहिए, द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन का इंक्रीजिंग मैकेनिज्म है, बढ़ता हुआ मशीनीकरण है, जीवन का बढ़ता हुआ मशीनीकरण जो है, हैव लेड अस फार्दर, ये हमें दूर ले जा चुका है अवे फ्रॉम डेली कॉन्टेक्ट विद नेचर, प्रकृति से हमारा जो रोज का कॉन्टेक्ट होता है उससे दूर ले जा चुका है, एंड द क्राफ्ट ऑफ द फॉर्म, और ये जो फॉर्म से संबंधित क्राफ्ट कलाकारी है इनसे दूर लेके जा चुका है। क्या है The increasing mechanism of life, सही है कोई एरर यहां पे? Have led us farther away from daily contact with nature, सही है या एरर है यहां? And the crops of the farm, सही है, क्या गलत है? आप धीरे धीरे ये सीखें कि हम किसी वाक्य का सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस सब्जेक्ट के आधार पे हम वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब करना हो। मैंने कई बार कहा सबसे अधिक क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आपको दे जाते हैं और ये भी उसी का उदाहरण है। एक्चुअली यहां पे एरर आपका सेकंड बी पोर्शन में है। कैसे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, ये हमारा सब्जेक्ट द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म, सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है ना, तो फिर यहां पे है कैसे होगा, क्या हो जाएगा? हैज होगा, क्योंकि द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म ऑफ लाइफ हैज लेड, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर इसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आपका क्वेश्चन है,
जो आपको ये बता रहा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर, यानी बी पोर्शन में एरर है आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, तीसरा देखें। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी, यानी यदि आपके पास शब्दों से खेलने की कला है, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन, डिजाइन का एक गुड सेंस आपके अंदर है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी और प्रशासनिक गुण आपके अंदर है, प्रशासनिक गुण आपके अंदर है, तो यू मे एंजॉय, तो आप आनंद ले सकते हैं वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग हाई प्रेशर वर्ल्ड है, जहां बहुत दबाव होता है, आप इस जगह पे काम करने का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि एंजॉय के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, नहीं आएगा, वो तब आता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट न दिया गया हो। यहां तो है वर्किंग आपका ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं, कहां एरर है। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, सही, इफ यू हैव है तो है नहीं, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, सही है। अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन, सही है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी, सही है या गलत, एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी सही है या गलत है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी होगा। क्वालिटी क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। तो याद रखें जो बच्चे पढ़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एडजेक्टिव कैसे हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन है ATION, यानी ये भी नाउन है, ये भी नाउन, जबकि इस नाउन को क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। तो यहां हो जाएगा, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, ना एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी हो जाएगा, यानी यहां पर भी बी में एरर आपके है। चलिए प्रयास करते हैं। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रांग इंडिकेशन फॉर हाई मीट कॉस्ट टू कम। लास्ट वीक्स शार्प हाइक, जिन बच्चों को लगता हो कि वीक पर एपोस्ट्रॉफियस नहीं लगेगा, उन्हें याद कर ले, आप किसी भी टाइम सूचक शब्द पे आप एपोस्ट्रॉफियस लगा सकते हैं, वो मिनट भी हो सकता है, वो आवर भी हो सकता है, वो डे भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है, वो मंथ भी हो सकता है, और ईयर भी हो सकता है। आप 5 मिनट्स ब्रेक ले सकते हैं, आप 1 या 2 आवर्स डिले कर सकते हैं, आप 3 डेज लीव ले सकते हैं, आप 5 वीक्स जर्नी कर सकते हैं, आप 1 मंथ्स प्रोग्राम बना सकते हैं, आप ईयर्स एब्सेंस हो सकते हैं, यानी इन पर लगता है ये सही है। लास्ट वीक्स शार्प हाइक, हाइक में बढ़ोतरी होती, उछाल, तो लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होल सेल प्राइस ऑफ बीफ, बीफ तो समझते हैं भारत में बहुत प्रचलित वर्ड है, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, तो गाय के मांस के होल सेल प्राइस में जो तेजी से उछाल आई, कब, लास्ट वीक, पिछले महीने, वो जो उछाल है इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, ये एक तेज संकेत, मजबूत संकेत है फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम, कि आगे मीट का जो दाम है वो और अधिक बढ़ जाए। क्या लग रहा है, क्या एरर है आप, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस, ये तो सही, ऑफ बीफ ये भी सही, और सबसे बड़ी यहां पे इज है ये भी सही है। आप ही मत सोचेगा यहां लास्ट वीक्स शार्प हाइक है, लास्ट वीक है, यहां बाज हो जाएगा, ऐसा नहीं, पिछले महीने उछाल आई थी, लेकिन इंडिकेशन अब है इस समय कि आगे जो समय आने वाला उसमें मीट का दाम बढ़ जाएगा, इंडिकेशन अभी का है, इसलिए प्रेजेंट में ही रहेगा और इस ही रहेगा। यहां पे आर हो सकता था तब गलत होता, क्योंकि हम लास्ट वीक्स शार्प हाइक की बात कर रहे हैं, तो आर नहीं होता, इस होता, तो ऑलरेडी इस है, इज अ स्ट्रांग इंडिकेशन, ये मजबूत संकेत, बहुत बड़ा संकेत, महत्वपूर्ण संकेत है, फार हायर मीट कॉस्ट,
फार कैसे होगा? इंडिकेशन ऑफ समथिंग होता है, तो अगर इंडिकेशन ऑफ समथिंग होता है तो इंडिकेशन फार कैसे हो जाएगा? जैसे देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ प्राइस हाई, सही है? तो यहां जो इंडिकेशन फार हायर में कॉस्ट है वो इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। मैं फिर कहूंगा आपसे, जो भी बच्चे कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो हमेशा ध्यान रखें, सबसे अधिक क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन और नाउन से आपको दे जाते हैं। इनके अलावा जो छह चीजें आपकी हर हाल में तैयार होनी चाहिए कंपटीशन लेवल पे, वो है नंबर एक पर कंडीशनल सेंटेंस, नंबर दो पर क्वेश्चन टैग, नंबर तीन पर इन्वर्जन, नंबर चार पर कॉजेटिव वर्ब, नंबर पांच पर सिक्वेंस ऑफ टेंस और नंबर छह पर इनकोएटिव वर्ब्स। ये पांच छह चीजें हमेशा तैयार रखिए, दो दो नंबर्स आपको बहुत इजीली आपको प्रोवाइड करा देंगे यदि आप इनको तैयार रखें। बहुत ईजी है, जो पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, नहीं तो आगे तैयार करते रहिएगा, हर हाल में काम आए। फिलहाल यहां जाएगा लास्ट वीक्स शार्प हाई इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ हायर मीट कॉस्ट कम हो जाएगा, यानी यहां भी बी पोर्शन में ही एरर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वेहमेंटली रिफ्यूज्ड, वेहमेंटली मीन्स जोरदार तरीके से, प्रभावशाली तरीके से, तो द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वेहमेंटली रिफ्यूज्ड द एलिगेशन, एलिगेशन याद रख लीजिएगा काम आएगा, एलिगेशन मीन्स आरोप होता है, एलिस से बना है, तो द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वेहमेंटली रिफ्यूज्ड, ये सही है वेहमेंटली रिफ्यूज्ड, उन्होंने जोरदार तरीके से रिफ्यूज किया, किस से? द एलिगेशन, उस आरोप से, दैट की ही हैड टेकन ब्राइब्स, उन्होंने क्या लिए थे? रिश्वत लिए थे। क्या गलत लग रहा है आपको? द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन गलत है, हो सकता है, वेहमेंटली रिफ्यूज्ड देख ले, द एलिगेशन यानी वो आरोप, दैट ही हैड, ये तो है तो सही है, ही हैड टेकन ब्राइब्स कि उन्होंने लिया था, चूंकि ऑलरेडी रिफ्यूज है पास्ट इंडेफिनिट, तो अगला हैड टेकन ब्राइब्स सही आपका। क्या गलत है? ए बी सी या नो एरर है आपके लिए? क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? क्या? यू कैन नॉट यूज द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, या तो आप ये लें द एजुकेशन मिनिस्टर जो इजी है आपके लिए, द एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री, या द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नॉट फॉर एजुकेशन, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये भी प्रीपोजिशन से ही संबंधित एरर आपकी है, तो द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ना करिएगा, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन करिएगा, यानी ए पोर्शन में एरर है। छठवें क्वेश्चन पे हम लोग हैं, आधी से ज्यादा, ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स, वो कहता है कि वो नॉवेल्स पढ़ता है, टू पास अवे द टाइम, अपना समय बिताएंगे, टू पास अवे द टाइम यानी समय व्यतीत करने के लिए, ही सेज वो कहता है कि वो नॉवेल्स पढ़ता है, यानी नॉवेल्स पढ़ता है वो अपना समय काटने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए। क्या गलत लग रहा है आप? ए ही सेज दैट, बी ही रीड्स नॉवेल्स, सी टू पास अवे द टाइम, या तीनों में कोई गलती नहीं है? नो एरर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत तेज जाएंगे आपको, आप प्रिपरेशन करें, रेगुलर मेहनत करें, मेरे साथ समय दें, पर डे का शेड्यूल बना लें कि 8 बजे आ जाना है, सर को टाइम देना है, और इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं वो असफल हो रहे हैं, तो अगर आप मेरे इस प्रयास को सराहते हैं, आपको लगता है कुछ बेहतर है, पर डे का शेड्यूल अगर आप देख रहे होंगे, मैं रेगुलरली ये चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप इसकी कीमत को समझें और तैयार करते जाएं धीरे धीरे। कल से ही क्लोज टेस्ट की क्लास चलेगी, और जिन बच्चों ने डिमांड किया था सर क्लोज टेस्ट लाएं, वो जरूर रहें, सारे बच्चे रहें, क्योंकि वो अति महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके पेपर का, चाहे आप प्री दे रहे हो चाहे मेंस दे रहे हो, हर जगह आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, ही सेज दैट, वो कहता है कि सही है, ही रीड्स नॉवेल्स, सही, पहली क्लास आपकी प्रेजेंट में है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही रीड्स नॉवेल्स, सही है, टू पास अवे द टाइम, चूंकि रीड यहां पे ऑलरेडी मेन वर्ब है, तो यहां पे फुल इंफिनिटिव लिया गया, सही है, टू पास अवे द टाइम, आप इतना समझते होंगे पास अवे मीन्स गुजर जाना होता है,
इस दुनिया से विदा ले लेना होता है, means to pass away means to die, मर जाना। तो वो समय को मर जाने के लिए तो नहीं पड़ता होगा, वो समय व्यतीत करने के लिए पड़ता होगा। तो पास मीन्स ही होता है व्यतीत करना, there is no need to use away here। तो he says that he reads novels to pass the time, don't use away। पास अवे मीन्स टू डाई एंड टू पास मीन्स एंटरटेन करना, आनंद लेना, व्यतीत करना। तो यहां पे सी में आंसर आपका है। सेवेंथ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, यानी ऐसा विश्वास किया जाता है दैट कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, जो धूम्रपान है वह कैंसर के कारणों में से एक है। क्या गलत है? अब इस लेवल पे तो आपको आना ही चाहिए, ये ऐसा लेवल है जो हर बच्चे की जरूरत है। और मैं जितने भी क्लासेस में पढ़ाया हूंगा, हर एक क्लास में मैं इस चीज को हाईलाइट भी करता हूं जो यहां पे एरर है आपके। इट इज बिलीव्ड सही है, ये आपका दे बिलीव वी बिलीव का पैसिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज बिलीव दैट सही, यहां से आपका ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है। क्या ऑब्जेक्ट है? स्मोकिंग इज सही, स्मोकिंग साथ सिंगुलर ही लेंगे, स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, ऐसे कुछ लग रहा है यही पे कहीं एरर हो सकती है। वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, याद करें, एनी ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद, मैनी ऑफ के बाद, इन सब के बाद यदि आप काउंटेबल नाउन लेते हैं तो वो काउंटेबल नाउन कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता है। और ये तो बहुत बार आपके एग्जाम में दिया गया होगा कि वन ऑफ के बाद कभी भी सिंगुलर ना ले, हमेशा प्लूरल ले। तो यहां क्या है? वन ऑफ द कॉज है, कॉज कैसे होगा? कॉजेस होगा, वन ऑफ द कॉजेस ऑफ कैंसर। दिमाग भी बना लीजिएगा, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, इन सबके बाद जो काउंटेबल नाउन है वो हमेशा प्लूरल है। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है तो नहीं होगा। जैसे आप करें नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कभी नहीं होगा, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन जाएगा। तो फिलहाल यहां पर जाएगा, इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ कैंसर। ओके, चलिए आठवें प्रश्न पे हम लोग हैं, एट क्वेश्चन। Not one of his lectures have ever been printed in our publication house. यानी उसके जितने भी लेक्चर सेवन में से एक भी लेक्चर जो है have ever been printed, कभी प्रिंट नहीं हुआ है in our publication house, हमारे publication house में। क्या गलत लग रहा है? बहुत इजी है, आना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कुछ? Not one of his lectures, यानी उसके जितने भी lectures हैं उनमें से एक भी नहीं, जितने भी lectures उसके हैं उनमें से एक भी नहीं have ever been printed, have ever been printed। ये have किसके लिए है? One के लिए है ना, one of his lectures से तो सही है, देखिए one of की बात plural noun। लेकिन हमारा one of his lectures में subject क्या है? One है। जब वन ऑफ दिस लेक्चर्स में वन सब्जेक्ट है तो वन के साथ कौन सी पोजीशन है जहां हैव ले सकते हैं? हैज आएगा ना, तो नॉट वन ऑफ दिस लेक्चर्स हैज एवर बीन प्रिंटेड, यानी यहां पर बी में एरर है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। आप नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन है, बीइंग लॉस्ट हर सुवेल द वोमन वॉज वेरी सैड, यानी अपना गहना अर्नामेंट खोने के बाद वो औरत बहुत दुखी थी। अपना अपना गहना खोने के बाद वो औरत बहुत दुखी थी, खोने के बाद वो औरत बहुत दुखी थी। ए में एरर है, बी में एरर है, या सी में? बी में तो कोई एरर नहीं हो सकता, द वुमन तो सही है। वाज वेरी सैड भी सही है, कोई एरर नहीं है। तो क्या नो एरर है क्या? नहीं, ए में एरर है। अपना गहना खोने के
बाद बीइंग तो वहां प्रयोग करते हैं जहां पे कारण वगैरह आपको शो करना होता है, जैसे बीइंग लेजी द बॉय डिड नॉट वांट टू गो टू हिज स्कूल, ऐसे करते हैं, या बीइंग अ फाइन डे इट अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी वन, यहां करते हैं। जब के बाद वाला सेंस आ रहा है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप पाना चाहिए यहां पे बीइंग नहीं होगा, हैविंग होगा। Having lost her swell, यानी अपना गहना खोने के बाद वो औरत बहुत दुखित है। ये सिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा जहां पे हम, जैसा आप याद होगा, नौकर ने अपना कमरा साफ कर लिया और बाजार चला, यानी कमरा साफ करने के बाद ने having swept the room, the servant went to market। कोई भी ऐसे वाक्य बहुत मिलेंगे आपको, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया और वो घर चला गया, यानी कार्य समाप्त करने के बाद वो घर चला गया। Having finished his work, he went home. This is the rule, okay? तो having lost her jewel हो जाएगा, एक पोर्शन में एरर है आपका। और ये बिल्कुल अंतिम प्रश्न आपके सामने, 10th क्वेश्चन आपका। The reporter was unable to elicit information from the police. रिपोर्टर समझते हैं, was unable, वो असमर्थ था, to elicit information from the police, यानी पुलिस से information प्राप्त करने में वो रिपोर्टर क्या था, असमर्थ था। पुलिस से information प्राप्त करने में वह जो रिपोर्टर था वो असमर्थ था, यानी वो निकाल नहीं पा रहा था, information नहीं प्राप्त कर रहा था, procure नहीं कर पा रहा था information को। क्या गलत है? A, the reporter, कोई गलती नहीं। Was unable, the reporter was unable, no error, कोई प्रॉब्लम नहीं। To elicit information from the police, हमने D option नहीं दिया, but D रहेगा, no error का भी रहेगा। तो क्या लगता आपको, क्या गलत है? यहां words का कमाल है। जैसे अक्सर एक चीज आपको दिया जाता है, वो affect और effect से संबंधित। Effect एक noun है, effect means प्रभाव होता है, और अफेक्ट एक वर्ब है, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना होता है, नॉर्मली नेगेटिव सेंस में, तो अक्सर ऐसे दिए जाते हैं। यहां भी वही कमाल है, इंफॉर्मेशन को वो प्राप्त नहीं कर सका। एलिसिट मीन्स कब से प्राप्त करना होने लगा, एलिसिट मीन्स होता है इलीगल, मीन्स जो गलत होता है, गलत चीज होती वो एलिसिट होती, इलीगल होती है। तो इलीगल इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो स्पेलिंग एरर है, E-L-I-C-I-T होगा, E-L-I-C-I-T, elicit, elicit means होता है procure करना, get करना, means receive करना। यहां जो स्पेलिंग है elicit की वो गलत है, E-L-I-C-I-T होगा। elicit means प्राप्त करना होता है, किसी जानकारी को प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के सेंस में है, ये स्पेलिंग गलत है, यानी सी पोर्शन आपका मानने गलत है। तो द रिपोर्टर वॉज अनेबल To elicit information from the police, हो जाएगा। ये 10 questions की मेरी पांचवी सीरीज थी। हर एक में मैं लिंक डालता जा रहा हूं, जो भी बच्चे पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज, और ये आज आपके सामने पांचवी है, आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, जिस बच्चे के अंदर जज्बा है, देखिए कोई कार्य आप कब करना चाहते हैं, जब आपको उस कार्य की जरूरत महसूस होती है। तो जो बच्चे नहीं मेहनत करना चाह रहे, विश्वास करें शायद उन्हें जरूरत नहीं महसूस हो रही, बट अगर आपको चिंता है कि आप, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ आपके सपने देखते हैं, वो चाहते हैं आप सफल हो जाएं, तो जरूरत महसूस करें कि आपको भी उनके प्रति कुछ करना है, करके दिखाना है, उनके कंधों का जो बोझ है उसे कम करना है, तो आपको जरूरत महसूस होगी नहीं हमें जॉब करनी। जिस दिन आपको जरूरत महसूस होगी कि आपको जॉब करनी ना, उस दिन देखेगा आपके अंदर एक प्रकार का कमिटमेंट आने लगेगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे कुछ बेहतर करना है, तो शायद ये चीजें आपको समझ में भी ज्यादा आए और इनकी जरूरत भी महसूस हो आपको। अभी अगर आपको जरूरत नहीं महसूस हो रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। विश्वास करें आपको सोचना होगा कि हमें कुछ बेहतर करना है और मन में हमेशा कहना होगा वी कैन वी विल, हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। जो चीजें यहां कठिन लगती हो कभी तो अपने आप से कहें कि हम और मेहनत करेंगे, हम हर चीज समझ के दिखाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे से मैसेंजर पे या यहीं पर कमेंट्स करके पूछें कि सर ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ, आपका क्लियर नहीं हुआ, तो मैं हर हाल में आपको आंसर देने की कोशिश करूं। लेकिन आप पहले मेहनत तो करें, आप तैयार कर लें, यहां कोई है जो आपके लिए कुछ करना चाह रहा है तो आप भी उसके लिए इतना समय निकाल करके मेहनत करें।
पर प्लीज सपोर्ट करें मुझे भी, मेरा उत्साह वर्धन हो, इंक्रेसमेंट हो, शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए उन्हें प्रेरित करें वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जैसे ही कोई वीडियो बने उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।